दिल्ली में आम आदमी के रूप में एक आम आदमी के रेस में एक खास आदमी है और वो है दिल्ली के मुख्यमंत्री, जिन्होंने कहा था, एक बहुत बड़ा जन आंदोलन शुरू किया था और कई लोगों को ज्ञान और नसीहत दी थी। ये कहा था कि हम जब सत्ता में आएंगे तो सत्ता में हम आएंगे तो ना गाड़ी होगी ना बंगला होगा। और वो जब सत्ता में आए तो कैसे उन्होंने अपना चरित्र बदला वो आप सबने देखा है, किस तरह से उन्होंने एक फ्लैट से डुप्लेक्स फ्लैट से बंगला में आए। चलिए, एक संवैधानिक व्यवस्था है, बंगला सुरक्षा की दृष्टि से भी है, बंगला ले लिया, चलो इस तक ठीक है। छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी में आए, फिर गाड़ियों के काफिले में आए और अब वो बंगले के अंदर 10 करोड़ रुपए लगा रहे हैं, वो भी दिल्ली की जनता की टैक्स की गाड़ी कमाई का पैसा है। वो केजरीवाल की अपनी जेब से पैसा नहीं दे रहे, वो पैसा वो अपने फंड से नहीं दे रहे, सरकारी फंड से। और सरकारी फंड आता कहां से है? सरकारी फंड आता है जो दिल्ली की जनता टैक्स देती है, उस टैक्स के पैसे से वो सरकारी पैसा अपने बंगले पर अपने ऐशो आराम के लिए खर्च कर रहे हैं। ये मेरे पास ये वर्क ऑर्डर है जो दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री आवास पर एडिशनल ऑल्टरेशन के नाम पर इन रेजिडेंशियल रेजिडेंस ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एट 6 फ्लैग रोड, ये वर्क ऑर्डर है 8,61,63,472 रुपए का, ये टेंडर कॉस्ट है और इसमें 25% का डेविएशन भी होगा, 10 करोड़ से ज्यादा इसकी वैल्यू जाएगी। और ये पैसा आएगा कहां से? जो लोग ये कह रहे हैं, अभी अभी दो दिन पहले, एक दिन पहले दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी का बयान आया है कि दिल्ली के अंदर हमारे पास पैसा नहीं है। लोगों को, जो लोग ये कहते हैं वैक्सीन के लिए केंद्र सरकार की ओर जा रहे हैं, जो कहते थे हमें ऑक्सीजन नहीं हमारे पास से केंद्र सरकार हमें दे, जो ये कह रहे थे हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है केंद्र सरकार ने दिए, जो हर छोटी छोटी बात के लिए, जिनको राशन भी केंद्र सरकार के माध्यम से उनकी ओर से दिया जाता है, हर छोटी छोटी बात पर जो रूल की बात करते हैं, जो केंद्र सरकार के ऊपर इशारा करते हैं, प्रधानमंत्री जी के ऊपर इशारा करते हैं, वो रूल की बात करने वाले अब अपने घर के अंदर स्विमिंग पूल बनवा रहे हैं। जिनको दिल्ली की जिम्मेदारी मिली थी दिल्ली में नए सड़कें बनाने के लिए, लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, अच्छा काम करे, इसके लिए उनको जिम्मेदारी मिली थी, इसलिए वो दिल्ली के अंदर एक नया इनोवेशन लाए। इनोवेशन लाए पानी की समस्या के लिए, इनोवेशन लाए कैसे ट्रैफिक सुधरे, कैसे सड़क और पुल बने, ऐसा इनोवेशन लाए दिल्ली देश की राजधानी सुंदर राजधानी बने, वो इनोवेशन की बजाय अपने बंगले का रेनोवेशन करने में लग गए। और कोई छोटा मोटा रेनोवेशन नहीं है। अब बताइए, दिल्ली के मुख्यमंत्री को अपने घर के अंदर स्विमिंग पूल बनाने की क्या जरूरत है, वो भी ऐसे वक्त में। अब देखिए, आप इसकी तिथियां देखिए, 17 अक्टूबर 2020 को ये टेंडर अवार्ड किया गया। इसका अर्थ है कि 3-4 महीने
किया गया होगा, ये जो टेंडर से पहले प्रोसेस होता है उनकी टेक्निकल ब्रांच में जाता है, एस्टीमेट बनता है, तो कहीं ना कहीं इसका जो कंसेप्शन है वो हुआ होगा तीन चार महीने पहले। और तीन चार महीने पहले आपको पता है कि दिल्ली कोरोना के पहले फेज से लड़ाई लड़ रही थी, पहले फेज की तबाही का दौर था, और कोरोना पहले फेज में जब पूरे दिल्ली को इलाज की जरूरत थी, व्यवस्थाओं की जरूरत थी, अस्पतालों में सही व्यवस्था हो, गरीब और प्रवासी मजदूरों को राशन और भोजन मिले, जो लोग इलाज और टेस्ट के अभाव में जिनको इलाज नहीं मिल रहा था वो दम तोड़ रहे थे, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को उसकी चिंता करनी। और आज ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि जो अक्टूबर 2020 में अवार्ड किया गया, ये जाकर जिस समय पीक पीरियड था कोरोना पहली लहर का, उस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने घर को नवीनीकरण रेनोवेशन के काम में लगे थे। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि वो आम आदमी की बात करते हैं, आम आदमी के वेश छदम वेश में रहते हैं, और वो आम आदमी एक खास आदमी की तरह व्यवहार करे। अभी आपने ही सुना है कि बड़ी मासूमियत से कह रहे थे कि मैं जब ऐसी राजनीति होनी चाहिए कि अगर कोई चुना हुआ प्रतिनिधि है वो सांसद है, विधायक है, वो मुख्यमंत्री है, मंत्री है, उसको कोई गाड़ी बंगला नहीं मिलना चाहिए, उसका कोई फंड नहीं होना चाहिए। ये हमने कोई ऐसा नहीं, हम कोई ऐसा नहीं कह रहे कि उन्होंने बयान दिया था, ये आपको प्रत्यक्ष वो वीडियो दिखाया है जो स्वयं केजरीवाल जी ने कहा है, इससे उनके झूठ का अंदाजा बिल्कुल साफ लगता है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप असल में आम आदमी दूसरों को दिखाने के लिए है और असल में आप खास आदमी, असल में खास आदमी है ये चरित्र, ये करैक्टर, ये केजरीवाल जी का एक्सपोज हो चुका है। और बातें ऐसी होती है जिनको शायद हम कहते हैं तो ऐसा लगता है कि हम राजनीति कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई राजनीति नहीं है, यहाँ हम जोड़ना चाहते हैं दिल्ली के गरीबों को राशन सही से नहीं मिला, उन्होंने राशन जो गोडाउन में सड़ा दिया उसके लिए वो प्रशासनिक व्यवस्था नहीं कर पाए, बंटवा नहीं पाए। क्यों नहीं बंटवा पाए? क्योंकि दिमाग तो उनका, दिल और दिमाग तो अपने घर में लगा था, दिल और दिमाग तो अपने घर में 1 करोड़ रुपए का लगभग गेट बन रहा है। अभी मेरे साथी ने बताया जो हरीश कॉन्ट्रैक्टर है इसको बनाने वाले, वो 1 करोड़ रुपए का घर का प्रोविजन, 1 करोड़ रुपए का गेट है इसका दरवाजा। आप सोचिए दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के मुखिया, खास आदमी की तरह 1 करोड़ रुपए का गेट, 10 करोड़ से अधिक अपने बंगले पर रेनोवेशन, घर के ऊपर होगा स्विमिंग पूल, ये है दिल्ली के आम आदमी। और जो अब बन गए हैं सबसे खास आदमी वो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल।